आज हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य जो संबंध है उसका पार्ट थर्ड आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमने हल्दीघाटी का युद्ध जो था उसकी घटनाएं देखी, उसके परिणाम देखे, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि अकबर और महाराणा प्रताप या फिर मुगल और मेवाड़ के मध्य जो संघर्ष शुरू हुआ था और जिसकी परिणति हल्दीघाटी के युद्ध के रूप में हुई थी, वो अभी भी समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि हल्दीघाटी का युद्ध जो है अनिर्णय की स्थिति में समाप्त हुआ था। राणा प्रताप जो है मुगलों के हाथ में नहीं आए थे और न ही संपूर्ण मेवाड़ मुगलों के हाथ में आया था, और ये जो अनिर्णय की स्थिति थी, युद्ध के परिणाम जो अनिर्णय की स्थिति में रहा, तो इसके कारण जो है अकबर के मुगल सेनानायक जो मानसिंह है उसकी प्रतिष्ठा पर भी भारी आघात पहुँचा था। तो अब आगे क्या स्थिति रही, तो हम देखते हैं कि 1575 से लेकर 1586 ईस्वी तक अगले जो है 15-16 वर्षों तक बार बार अकबर मुगल मनसबदारों को मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए महाराणा प्रताप को अपने अधीन कराने के लिए भेजता रहा, पर आजन्म जो है महाराणा प्रताप अकबर की या फिर मुगलों की पकड़ में गिरफ्त में नहीं आए। तो हम देखते हैं कि हल्दीघाटी के युद्ध के बाद 1575 ईस्वी में अकबर स्वयं मेवाड़ गया शिकार के बहाने से। वहाँ पर जो है 6 महीने तक रुका अकबर, पर उसे किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिली, तो वो बांसवाड़ा होते हुए गुजरात वापस से लौट गया। फिर हम देखते हैं उसने अपने एक मुगल जो है सेनानायक शाहबाज खान को भेजा 1577 ईस्वी में। शाहबाज खान कुछ सफल हुआ, वो कुंभलगढ़ तक पहुँच गया और 3 अप्रैल 1577 ईस्वी में उसने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया, जो कि मेवाड़ का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, महाराणा प्रताप का महत्वपूर्ण जो है अधिकार क्षेत्र था। पर महाराणा प्रताप वहाँ से बचकर निकल गए, तो इस प्रकार पुनः महाराणा प्रताप जो है मुगलों की पकड़ में नहीं आए। फिर अकबर ने दिसंबर 1577 में फिर से शाहबाज खान को दूसरा अभियान देकर भेजा। फिर देखते हैं हम नवंबर 1589 इसमें फिर से शाहबाज खान को तीसरे अभियान पर भेजा गया मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए, पर फिर वो पुनः असफल होकर वापस से लौट गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अकबर की लगातार कोशिश रही संपूर्ण मेवाड़ को अधिकृत करने के लिए, महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए। शाहबाज खान के बाद हम देखते हैं कि 1580 ईस्वी में जो है अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा गया मेवाड़ अभियान पर। अब्दुल रहीम खान खाना जो है अकबर के जो है महत्वपूर्ण सेनानायकों में से एक थे और मुगल नवरत्नों में से जो है मुगल दरबार के नवरत्नों में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान था। हम देखते हैं कि इस बार जो है अब्दुल रहीम खान खाना के मेवाड़ आक्रमण से पूर्व ही उसने जो शिविर लगा रखा था शेरगढ़ में, वहाँ पर जो है महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने आक्रमण करके उसके हरम तक पर अधिकार कर लिया और मुगल जो स्त्रियाँ थीं उनको अपने अधिकार में ले लिया। और किंतु महाराणा प्रताप के कहने पर जो है अमर सिंह ने मुगल स्त्रियों को छोड़ दिया, ऐसा जो उल्लेख अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी में भी किया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप न केवल राजपूत स्त्रियों का या भारतीय स्त्रियों का बल्कि जो है मुगल स्त्रियों का भी सम्मान करते थे, जो उनके एक आदर्श चरित्र का एक आयाम है, महत्वपूर्ण आयाम हमें दिखाई देता है। हम देखते हैं कि 1580 के बाद 1584 तक लगभग 4 वर्षों तक जो है अकबर अपने राजकीय कामकाज में मुगल प्रशासन को सुव्यवस्थित करने में शांति स्थापना में व्यस्त रहे। फिर हम देखते हैं कि 1584 में इस बार किसको भेजा गया, जगन्नाथ कछावा को भेजा गया। आमेर के जो राजपूत थे, राजपूत शासक थे, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, अकबर से वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए थे और जगन्नाथ कछावा जो है अकबर की तरफ से मेवाड़ अभियान पर भेजे गए। 2 वर्ष तक वो मेवाड़ में घूमते रहे, ना तो उनके हाथ कोई मेवाड़ का क्षेत्र लगा और न ही महाराणा प्रताप उनके हाथ में लगे। इसी वक्त हम देखते हैं कि 1586 में दक्षिण में काबुल में जो है विद्रोह उठ खड़े हुए, जो कि मुगल साम्राज्य के महत्वपूर्ण प्रांत थे, तो अकबर जो है इन विद्रोह को दबाने में व्यस्त हो गए। अगले 12 वर्षों तक जो है मेवाड़ की तरफ कोई ध्यान नहीं दे पाए। ये 12 वर्ष जब अकबर जो है दक्षिण या काबुल कंधार के अभियान में व्यस्त रहा, ये 12 वर्ष जो है मेवाड़ के लिए शांतिपूर्ण रहे। इन 12 वर्षों की शांति का जो है लाभ किसने उठाया, महाराणा प्रताप ने उठाया। उन्होंने मेवाड़ की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त किया, व्यवस्था स्थापित की, आर्थिक प्रगति के लिए भी जो है कोशिश की और कला और साहित्य की उन्नति भी इन 12 वर्षों में काफ़ी कुछ हुई। और इस तरीके से हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप संघर्ष करते हुए और संघर्ष के बाद अपनी जो है राज्य व्यवस्था को संभालते हुए बुधवार को जो है 19 जनवरी 1597 ईस्वी को जो है
अपने धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाते हुए महाराणा प्रताप का देहांत हो गया। इस तरीके से जो है मेवाड़ की इस वीर नायक और भारत माँ के इस महान सपूत का अंत हुआ। आज जन्म उन्होंने न तो मुगलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया, न ही किसी प्रकार के जो है आत्मसमर्पण वाले संबंध कायम किए, न ही कोई वैवाहिक संबंध मेवाड़ की तरफ से मुगलों से किए गए, और न ही जो है महाराणा प्रताप जो है जीते जी अकबर या मुगलों के अधीन हो पाए या उनके पकड़ में आए। महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व इतना महान था कि जब स्वयं अकबर ने महाराणा प्रताप की मृत्यु के बारे में सुना तो उन्होंने जो है उनके मुंह से यही निकला कि जो है मेवाड़ के एक वीर सपूत का जो है आज अंत हो गया है, और उन्होंने जो है अप्रत्यक्ष तौर पे दुखी प्रकट किया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम देखें महाराणा प्रताप और अकबर के संघर्ष का सकारात्मक पक्ष हम देखते हैं तो जो है महाराणा प्रताप ने मातृभूमि स्वामी भक्ति का परिचय दिया और आज जन्म अधीनता नहीं मानी मुगलों की, जिसको कि वो विदेशी समझता था। पर अगर हम इसको व्यवहारिक तौर पे देखें कि जैसे कि गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि उनका कहना है कि 50 वर्षों के संघर्ष से जो कि मेवाड़ और मुगलों के मध्य चला, जो है मेवाड़ की आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गई, कमज़ोर हो गई, और इससे मेवाड़ को कोई राजनीतिक लाभ भी नहीं हुआ। और यही कारण है कि इसी के परिणाम स्वरूप अगले 20 वर्षों बाद ही महाराणा प्रताप का जो उत्तराधिकारी था अमर सिंह, उसको अकबर के उत्तराधिकारी जो है मुगल प्रतिनिधि जहांगीर से संधि करनी पड़ गई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इतने लंबा जो संघर्ष चला उसका सिर्फ एक ही परिणाम था, जो परिणाम मात्र भूमि की रक्षा या फिर स्वामी भक्त जो है एक देशभक्त जो होता है सिर्फ उसी दृष्टि से ये जो है संघर्ष सफल हम मान सकते हैं। बाकी जो है राजनीतिक दृष्टि से कोई लाभ नहीं हुआ इस संघर्ष का, और आर्थिक दृष्टि से तो नुकसान ही हुआ। जैसे कि डॉक्टर त्रिपाठी भी कहते हैं कि निसंदेह जो है महाराणा प्रताप ने अकबर के समक्ष लगातार संघर्ष करके अपनी वीरता का, अपनी स्वामी भक्ति का, अपनी मातृभक्ति का, मातृ प्रेम का परिचय, मातृभूमि प्रेम का परिचय दिया था। परंतु जो है उनके बाद उनके पुत्र अमर सिंह को जहांगीर से संधि करनी पड़ गई, और जो है आश्चर्य की बात है कि संधि की शर्तें भी वही थी जो शर्तें अकबर उन शिष्टमंडलों के साथ भेजता था, जो शिष्टमंडल महाराणा प्रताप के पास भेजे जाते थे। तो इस तरीके से ये 50 वर्षों का जो संघर्ष रहा मेवाड़ और मुगलों के मध्य, वो न कोई राजनीतिक लाभ दे पाया और इससे आर्थिक क्षति ही हुई। हालांकि ये जो है भारतों की आन बान और शान के पक्ष में रहा, और जो है देशभक्ति का परिचायक रहा, महाराणा प्रताप की मातृभूमि प्रेम का परिचायक रहा। धन्यवाद।